देश की सेवा के लिए समर्पित अपने त्याग और तपस्या से इस राष्ट्र के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले सभी प्रतिष्ठित विशिष्टजन, लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी, सभी अधिकारीगण, आज इस वर्चुअल माध्यम से जुड़े आप सभी पद्म पुरस्कार से सम्मानित विशिष्टजन नौका में संसद सदस्यों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने समाज के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर बेहतरीन के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने लक्ष्य पर चलते हुए आपने अनेक बाधाओं को और कठिनाइयों को का भी सामना किया है, किंतु समाज के लिए कुछ श्रेष्ठ करने के आपके दृढ़ संकल्प की बदौलत आपने हर प्रकार की कठिनाइयों और बाधाओं को पार किया है। निसंदेह आपके द्वारा किए गए कार्य, आपकी असाधारण उपलब्धियां और सेवा के प्रति अनुकरणीय समर्पण की भावना देश के सभी नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत की तरह है। महात्मा गांधी मानते थे, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो देना। देश की सर्वोत्तम पंचायत अर्थात संसद में जनप्रतिनिधि होने के नाते हम आप लोगों की उपलब्धियों से सीख लेते हैं। इसी भावना और विचार के साथ लोकसभा सचिवालय के द्वारा जो हमारी संस्था है प्राइड द्वारा आप सब विशिष्टजनों को 5 दिवसीय कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया और निश्चित रूप से इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए लाभप्रद भी होगा और प्रेरणादायी भी होगा। सेवा हमारी संस्कृति के मूल तत्व के रूप में है और यही हमारी संस्कृति में अंतर्निहित है। भगवद गीता में कहा है, हमें फल की चिंता किए बिना कर्म करने का ज्ञान भगवद गीता के माध्यम से हम सबको मिलता है। आप सभी हमारे देश के लिए प्रेरणा के असीम स्रोत हैं। आपने अपने कार्यों के माध्यम से समाज के चमु विकास के लिए, मानव संसाधन को देश सेवा में लगाने के लिए, विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण, अन्य कई क्षेत्रों के अंदर आपने समाज सेवा का महत्वपूर्ण कार्य किया है। हमारे देश में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्रों का वैदिक काल में और भारतीय आयुर्विज्ञान में हमेशा विशेष स्थान रहा है। हमारे भारतीय आयुर्वैज्ञानिक जनक की जनक सुप्रत जी, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी, आधुनिक काल में सर सीवी रमन जी, जगदीश चंद्र बोस जी, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा,
जैसे वैज्ञानिकों के प्रयास से विज्ञान के क्षेत्र में व्यापक प्रगति हुई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने, विनोबा भावे ने, जैसे असंख्य लोगों ने अपने विचारों और नेतृत्व क्षमता के साथ समर्पित सेवा और देश सेवा के साथ हम सबको एक आदर्श के रूप में वो हमें आज भी प्रेरित करते हैं। ये सब महान भूतियाँ हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमारे देश ने पूरे विश्व को अपने सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के माध्यम से एक सकारात्मक संदेश दिया है और आज भी सबके जीवन के अंदर कहीं न कहीं उनकी दिशा का योगदान मिलता है। आपका जीवन और आपके कार्य देश के मानवतावादी उद्देश्यों में किए गए कार्यों के लिए हमारी परंपरा का विस्तार करते हैं और हमें ज्ञानवर्धक और प्रोत्साहित करते हैं। ये परंपरा हमारी पुरानी है, वैदिक काल से और सनातन भी है। हमने इसी परंपरा को इस चुनौतियों के समय, जब देश में कोविड-19 की चुनौती हुई, सारे विश्व के अंदर इस महामारी का संक्रमण फैला, हमारी इसी पुरातन संस्कृति के कारण हमने किस तरीके से सामूहिक प्रयासों से, सामूहिक कार्यों से देश को इस चुनौतियों का मुकाबला भी करा और अभाव में रहने वाले लोगों की सभी लोगों ने अपने अपने प्रयासों से मदद की, ये अभी हमने वर्तमान में उदाहरण देखा है कि भारतीय संस्कृति और संस्कार सेवा के ही हैं, जिसके आज भी हमारे हर जीवन में ये संस्कार टिके हुए हैं। इसी तरीके से हमें हमारे जीवन को किस तरीके से चलाना है, ये मार्गदर्शन समय समय से ऋषि मुनियों, संतों, आप जैसे देश सेवा के लिए समर्पित लोगों के माध्यम से हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। और इसीलिए हमारे जीवन के हर क्षेत्र के कार्यों को हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बशर्त कितनी ही बाधाएं हैं, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प और संकल्पित होकर काम करना चाहिए, ये आपके किए गए कार्यों से समाज को प्रेरणा मिलती है। हम सब ने अपने अपने क्षेत्रों में समाज जीवन में एक विशिष्ट सेवाएं दी है और आपके प्रयासों से ही मानवीय जीवन में समाज के अंतिम दौर पर छड़े व्यक्ति के जीवन का सशक्तिकरण भी हो रहा है और समाज जीवन में बदलाव भी हो रहा है, क्योंकि आपने अपना संपूर्ण जीवन मानवीय सेवा के लिए समर्पित किया है और इसी के कारण आज मानवतावादी दृष्टिकोण में एक व्यापक बदलाव आपके प्रयासों से हुआ है। आज से आने वाले 5 दिनों तक माननीय संसद सदस्यों के साथ विषयों पर संवाद होगा, चर्चा होगी, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के मंदिर में भी देश के चुने हुए लोग अपने अपने विचारों को, अपने अपने अनुभवों को, अपने क्षेत्र की लोगों की आकांक्षा आकांक्षाओं को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। और हमारे संविधान में यही हमारे लोकतंत्र है कि संपूर्ण देश एक साथ मिलकर काम करता है और समाज जीवन में बदलाव लाने के लिए सभी अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं। आपका 5 दिवसीय ये संदेश निश्चित रूप से हमें प्रेरणा भी देगा, प्रोत्साहित भी करेगा
और कार्य करने के लिए प्रेरित भी करेगा। मुझे आशा है आपके ज्ञान, आपके अनुभव और विचारों से माननीय संसद सदस्यों को नई ऊर्जा मिलेगी और माननीय संसद सदस्य और आपका दृष्टिकोण, माननीय जनप्रतिनिधि और आपके विचार, आपके अनुभव, समाज सेवा के लिए आपके कार्य, दोनों के अनुभवों को हम साझा करेंगे तो हम समाज में एक नए बदलाव की दिशा तय कर पाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र में बदलाव के लिए अभी जनप्रतिनिधियों के लिए ऊपर जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधि किस तरीके से अपने अपने निर्वाचक मंडल के अंदर लोगों के जीवन को बदलाव ला सकते हैं, किस तरीके से सामाजिक कार्य करके उनके जीवन के अंदर एक नई दिशा दे सकते हैं, क्योंकि समाज जीवन में बदलाव लाना है तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता को या राजनीतिक नेता को सामाजिक जीवन में सामाजिकता होना ही पड़ेगा और मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना ही पड़ेगा, और मानवतावादी दृष्टिकोण ही व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाएगा। मेरा ये प्रयास है कि माननीय संसद सदस्य को आज पर्याप्त मार्गदर्शन मिलेगा और जो मार्गदर्शन मिलेगा उसके माध्यम से माननीय संसद सदस्य आपके अनुभव, आपके विचारों और उनके अनुभव, उनके विचारों को साझा कर संसद के अंदर सार्वजनिक चर्चा हो, संवाद हो, ताकि हम देश के अंदर व्यापक बदलाव ला सकें। पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने माननीय संसद सदस्य के लिए ये समय निकाला और निश्चित रूप से आपका जीवन इसी तरीके से समर्पित होकर राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरणा देता रहेगा और हम सब मिलकर सामूहिक रूप से इस समाज के अंदर व्यापक बदलाव लाएंगे और नए भारत के निर्माण की दिशा की ओर बढ़ेंगे। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे आने में इसलिए देरी हुई क्योंकि आज कुछ रास्ता डाइवर्ट किया है, निश्चित रूप से आपको कुछ इंतजार करना पड़ा और मैं कोशिश कर रहा हूं कि देश के अलग अलग क्षेत्रों से चुने हुए सभी दलों के माननीय सदस्य इस वर्चुअल माध्यम से आपसे जुड़ेंगे और आपके विचारों और अनुभव को साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।